वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मनमाड़ में हैं और अभी हम शाहपुर बाबा के यहाँ पर जा रहे हैं, जिनके हमने वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे वीडियो। उन्होंने हमको दावत दी हुए है, तो इस वक्त हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम अभी 2 हफ्ते से मालेगाँव में है, रेस्ट के लिए घर पर आए हुए हैं। चलिए वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको रास्ता बताते हैं वहाँ पे। और देख सकते हो ये रास्ता है, पूरा पूरा ट्रेन की रेलवे पटरी है नाज़रीन, देख सकते हो। ये पटरी पार करके रास्ता आता है पूरा। ये देख सकते हो नाज़रीन, ये पूरा टन है। बहुत से लोगों को रास्ता नहीं पता था, तो इस वीडियो में हम परफेक्ट रास्ता बता रहे हैं। ये इधर देख सकते हो, ये रास्ता है। तो हम नाज़रीन 4-5 लोग मिल के आए हुए हैं, तो चलिए पहुँचते हो आप। तो ये देख सकते हो नाज़रीन, यहाँ पे हमारी रिक्शा अगली टाइम पे पूरी फंसी हुई थी एकदम रास्ते को लग के। नाज़रीन ट्रेन की पटरी है, देख सकते हो नाज़रीन कितना खराब रास्ता है। शकुर बाबा ने हमको दावत दी है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। ये हमारे अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला कादरी, ये इमरान कादरी, ये आरिफ कादरी, ये बाबा यहाँ हमारे। सबसे पहले तो घोड़े पुल के पास से पसाने का काम चार घंटे। देख सकते हो नाज़रीन, ये ट्रेन की पटरी है, एकदम पटरी को लगते ही रास्ता है शकुर बाबा की तरफ जाने का। नाज़रीन ये जो है तो बम्बई और भुसावल लाइन है। देख सकते हो नाज़रीन, ये ट्रेन है, इसकी पटरी पे हम रुके हुए हैं। देख सकते हो नाज़रीन, ये पूरा रास्ता हम रिक्शा पे जा रहे हैं नाज़रीन। ये देख सकते हो नाज़रीन, वो वहाँ पे जाना है हमें। देख सकते हो सामने, वहाँ पे शकुर बाबा रहते हैं। इधर देख सकते हो, ये पूरा हमें भी घूम के जाना है। इधर से रास्ता है नहीं, वहाँ से ब्रिज बना हुआ है, तो वहाँ से जाएंगे। इधर से देख सकते हो ये पूरा रास्ता। ब्रिज टूटा हुआ है यहाँ पे। देख सकते हो नाज़रीन, हम ट्रेन के एकदम बाजू से ही रास्ता है इसका। देख सकते हो रास्ते से गाड़ी जाने वाली हमारी। बहुत ही ख़राब रास्ता है नाज़रीन यहाँ पे आने का। ये इधर से देख सकते हो ब्रिज के बाद नाज़रीन ये रास्ता है। ये पूरा टर्न काट के वहाँ पे पहुँचने का रास्ता है नाज़रीन। इससे पहले नाज़रीन शकुर बाबा का एक बंदा आया था हमें लेने के वास्ते, और इस बारी में हमें रास्ता तो हम पहुँच जा रहे वहाँ पर। तो देख सकते हो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर।
बहुत ही बेहतरीन जगह है नाजरीन। और नाजरीन जिसने भी अभी तक शकुर बाबा की वीडियो नहीं देखी हुए होएंगे वो ज़रूर वीडियो देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनी हुई है और काफ़ी ऊंची हस्ती है ये। माशाल्लाह नाजरीन तो नाज़रीन जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह देख सकते हो नाज़रीन ये आलम है। माशाल्लाह तो ये देख सकते हो नाजीन पहुंच चुके हैं मंदिर, वो सामने शकुर बाबा बैठे हुए हैं। माशाल्लाह अरे पहले खाना खा लो फिर गुलपोशी खा लेंगे, पहले गुलपोशी हो जाए उसके बाद में फिर देखते हैं। खा ले रहे सलाम अलैकुम। वालेकुम पहले इनका हाथ दो यार। اللهم صل على سيدنا محمد المبارك صلي سلام سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الحمد لله کتنا راستہ دیکھا ارے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اس کے بعد آیا ابھی یہاں تک میرے کو ویسی گاڑی چلا کے لائے بنا بریک کے چلا کے لائے گا اللہ اچھا رکھے बिना ब्रेक की गाड़ी चला कर लाए अल्लाह अच्छा रहती।
तो है ना जी, मैं दावत का बंदोबस्त किया हमारे लिए। वो मालेगांव में ही रहते हैं अपने। अरे जा दूध वाले जा, मैंने खाया अपने, तूने खाया जा, तुम भी वाली मैं से खाते हो जा चल चल बड़ा। फिर वापस मुकाम कर तो देख सकते हो ना, देखने ये शिजरा है इसके नजदीक भी जा नहीं सकते अपने डॉक्टरों को जब तो कोविड ये कब मंगाया था मालूम, टीवी शो से ये देख सकते हो ना जी, नहीं बना हुआ है यहाँ पर। अल्लाह आलम जी सब ऐसा गायब हो गया जगह पे। अम्मी भी थी ना बाजू में, अम्मी भी बैठी हुई थी जगह पे, गायब हो गया। जिक्र का पावर है, हकीकत बात है। जिक्र को जो समझ गया वो समझ गया, हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा है ना, मेरे ताले से मैंने पूछा था दम में और सांस में क्या फर्क है, दम में और सांस में क्या फर्क है। तो मेरे को क्या बोला उसने, 5 किलो प्योर घी खिला मेरे को। अच्छा, जब मेरा दिमाग तर होगा तब मैं तुझे बताऊंगा। अच्छा सांस में दम में क्या फर्क है। अब मैं ऐसे ये बच्चों को बोलूं क्या, मैं अगर ये बच्चा कोई सवाल पूछ लेगे तो क्या मैं ऐसा जवाब नहीं नहीं, नहीं। मेरे को जवाब देना पड़ेगा, भले वो मुरीद नहीं है तो क्या हो, कोई मुरीद हो या ना हो, अल्लाह गवाह। मैंने कभी किसी को भी गैर कौम को भी मैंने पर्दा जर्दा नहीं बताया। अच्छा। उसको भी उसके लाइन में बताया मैंने। हाँ। जबकि मैं अंगूठे बहादुर हूँ, सही है ना, सही बात। ये लोगों ने मेरे नाखून से सर के बाल तलक सवाल पूछे, पूछो हाजिर जवाब की नहीं। तो ये सारा इल्म का जोर है मुन्ना भाई। अभी आप जो है बाबा से पहली बार कब मिले थे? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। अच्छा, मुंबई में मिले थे। तो कैसे मुलाकात हुई? कल डाल रहा हूँ बाबा जान का एक मूवी था, उनका नाम बरकत था। तो उनके पास आते थे हम लोग इतर लेने के लिए, इतर उतर की दुकान थी, पानी की दुकान थी।
तो बुजुर्गों के हम लोग थोड़ा इंटरेस्टेड थे बुजुर्गों में, जैसे बुजुर्ग क्या होते हैं, हाँ। उनकी करामतें इनमें इतनी ताकत, बुजुर्गों में हम लोग को बहुत वो थी चार। अच्छा। कि इतना बड़ा मर्तबा इनको कैसा मिला और इन लोगों में क्या कुवत, इनका जिक्र क्या है, इनका कफन सड़ता नहीं, इनकी मट्टी सड़ती नहीं, ऐसी क्या खास बात है। हाँ। तो तलाश में रहते थे अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह को आज तक किसी ने देखा नहीं, फिर भी अल्लाह को लोग मानते हैं, उसकी इबादत करते, बिना देखे इबादत करते हैं, अल्लाह का सोचने का ढंग कैसा है, अल्लाह की सूरत कैसी है, या हमारे जैसा है या हवा है, बहुत सारे सवाल रहते थे। आज के दौर का कुतुब कौन है। अच्छा। तो इतने में एक बार हम लोग जा रहे थे तो आपस में बहस हो गई। अच्छा। हजरत अली पे और बड़े पीर पे, गौसपाक। अच्छा। तो एक हमारा है भाई, है दोस्त समझो, वो बोलता है बड़े पीर का कदम तमाम की गर्दनों पर है। अच्छा। तमाम की गर्दन पे। तो मैं बोले पंजतन पाक, बोले हाँ हजरत अली की भी गर्दन पे। मैं बोला नहीं यार, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हजरत अली उनसे पहले आए हुए। इतना हम लोग को इल्म नहीं था और इतना शऊर भी नहीं था, फिर भी मेरा दिल गवारा नहीं करा। तो मैंने वो बात को बोले चलो किसी से पूछेंगे। अब जिसके पास जा रहे वो जवाब ही नहीं दे रहा है, या तो वो डर जा रहा है या तो भाग जा रहा है बहाना बना के, क्योंकि ये दो बड़ी हस्ती है। लास्ट में हमको ये बरकत भाई सामने से आ रहे थे, तो मैंने मजाक में ऐसी बोला इनसे पूछो, वो सफारी वफारी में थे, तो मैं मजाक उड़ाने के हिसाब से पूछा। मुझे नहीं मालूम था वो बाबा का मुरीद है। हाँ। बाबा को नहीं जानते थे। हाँ। अब जैसे ही मैंने उसको पूछा इनसे पूछो, तो वो उसकी जो जबान देखा ना मैंने, इतनी फास्ट तलवार की तरह उसकी जबान थी ना, हजरत अली के बारे में उसने इतनी सारी बातें बता दिया, उनके तबीयत खुश हो गई। अच्छा। हाँ, बोले पाक इमामों का बाप है, बूतुराव है, सरकार का भाई है, इतना खुश हो गए हम लोग। तो उसके इधर आने जाने हम उसको ही वली समझ लिए। तो बाद में एक दिन उसको पूछे आपके पीर साहब, बोले है इधर रहते हैं डिपो के पास, बकरियां चराते हैं और गरीफ है, उनको उठाएंगे तो उनके पसीने में खुशबू आती है। तो हम लोग का इंटरेस्ट और बढ़ गया, बोला ऐसा। अच्छा। कौन सा बुजुर्ग है जिसके अपने पसीने में खुशबू। हाँ। तो हम लोग का दिल वो हो गया, तो थोड़ा हाँ लेके जाएंगे, तुम लोग क्या करोगे जाके। हाँ। और हम लोग की हालत है ऐसी, शक्ल दाढ़ी नहीं कुछ नहीं, तो वो सोचा इन लोगों को लेके जाके क्या करने है। फिर भी हम लोग जीत करके एक दिन चले गए, और उस दिन पहली बार बाबा के घर पे गए, तो बाबा को देख के देखते रह गए हम लोग, वो शक्ल पे वही बुजुर्गी झलक रही है। और तीन चार लोग बैठे थे, करबला की बातें चालू थी। अच्छा। तो उसमें कुछ बातें ऐसी हो रही थी जैसा इमाम हुसैन जन्नत का सरदार, तमाम फरिश्ते उसके गुलाम। हाँ। बेशक बराबर। तो उसकी रूह किसने कब्ज किया, ये सवाल तो पूरी कायनात से पूछना चाहिए असल में। उसके ऊपर कैसा कोई सवार हो सकता है, बराबर है क्या नहीं। ये मलकन मौत उनका गुलाम, गुलाम है। तो मलकन मौत कैसे उसकी रूह खींचेगी, जिब्रील उनके दर का गुलाम, उनका दर्जी। सही। तो मैं हैबत में आ गया, मैं बोला यार ये कौन सी बात, ये तो बहुत पते की बात बोल रहे हो आप, जबकि हमको कुछ इल्म नहीं था उस टाइम। अभी तो माशाल्लाह 20-22 साल हो गए, हमारे सवाल खत्म हो गए। तो वो बात का बाबा ने जवाब दिए। फिर दूसरी बात बोले, सरकार बशर कब थे और नूर अला नूर कब तक के थे, किसी ने इनसे पूछा। अच्छा। किस हद तक बशर थे और नूर अला नूर कब थे, तो उसका भी जवाब बाबा ने दिया। मैं बोला यार ये तो सवाल भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और जवाब भी ऐसे कि कोई इंसान इतना आसानी से जवाब दे रहा है। हाँ। बिना रोक टोक के, वो जबरदस्त बाबा है। फिर हम लोग उधर 2-4 घंटा बैठे, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, और इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसा मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, यानी आपकी रूहानियत से पहले मैं कभी ना कभी उनको जानता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैंने उनको अपने एरिया में देखा, ऐसा लग रहा बहुत जन्मों का मतलब रिश्ता रहता। हाँ, नहीं क्या। हाँ। और ये हमारे रिश्तेदार है। अच्छा। वो आँख एकदम अलग नीली नीली हो जा रही है, कभी आँख का कलर लाल हो रहा है, कभी हरा हो रहा है, चेहरे का रंग बदली हो रहा है बार बार, 6-7 रंग चेहरे के बदली हो रहे। हम लोग देख के हैरत में। अब वो दिन से जो हम लोग घर पे गए, हम लोग की हालत खराब, और घूम घूम के वही जैसा शाम में बाबा के इधर गए, तो 11-12 महीना उधर हम लोग रोज जाते थे बाबा के इधर, पूरी रात रात भर बैठते थे। वहाँ बहुत सारी करामत हुई, इतनी करामत है कि अभी बताऊंगा तो आदमी के होश उड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी करामतें हुई है हम लोगों के साथ, हुई है हम सबके साथ हुई है,
जो उनके साथ रहेगा वो करामत हो गई भंडार है वो तो। हाँ, और बाबा कैसा है मालूम, बाबा का वजूद पाक है, वो किसी का पैसा एक पैसा लेते नहीं है, ना किसी का खाते किसी का, वो अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई से अपना घर बनाए और पीरी मुरीदी करे। उनके पास एक मुरीद था वही जो हमको लेके गया ना, बरकत नाम था उसका, बरकत भैया। तो वो मुरीद नहीं हुआ था, उनके बारे में एक वाक्य बता देता हूँ मैं आपको। तो बाबा के इधर गया, उसने किसी की मौत देख लिया, कोई जल के मरते हुए घबरा गया। अच्छा। तो वलियों का चाहने वाला था, तो बाबा के पास जाके बोला, बाबा मुझे बैत कर लो आप। तो बाबा बोले, जा तू जुमेरात को आ, मैं जुमेरात के सिवा है ना किसी को बैत नहीं करता हूँ। अच्छा। वो नहीं सरकार, आप पी रहे, मैं मुरीद हूँ, मैं हार वीर लेके आ जाता हूँ, मीठी शिरनी लाता हूँ, बैत कर दो मुझे, नहीं तेको एक बार बोला ना जा जुमेरात को आ। तो सरकार उसमें क्या अड़चन है, अगर जुमेरात से पहले कभी मैं मर गया, बोले जा मैं तुझे बख्शवा लूंगा। अल्लाह का बात, अल्लाह क्या बात। ये सब बातें हम लोग को बरकत ने बताया, तो हमारे अंदर वो, मैं बोला यार इतना कॉन्फिडेंस वाला आदमी कौन है जो इतना गारंटी से इतना जिम्मेदारी ले लेता है, वो भी अनजान आदमी की। अपने की तो सभी लेते ना, ये तो पूरी कायनात की लेने तैयार है। फिर हम लोग पूछे, बाबा आप कबर में आओगे हमको बचाने, बोले कबर में, दुनिया में, नजा में, सकरात में, हशर में भी मैं आऊंगा तुम्हें बचाने, भले ही तुम्हारा पीर आवे या नहीं आवे, लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो और क्या चाहिए। हमारे पीर से पूछे, हजरत आप बैत हुए हम लोग, हजरत आप हम लोग पर्दा हुए या मर गए, पहले किन से बैठे। मोहम्मद अय्यूब शरीफुल कादरी, वो बहुत जबरदस्त करामती पीर थे। उनके मुरीदों का ये आलम था कि पानी को आ बोलते तो पानी आता था। अच्छा। स्टेशन पे सब कुत्ते लोग को आवाज दिया, पूरी कुत्तों की फौज एक साथ आ गई थी प्लेटफॉर्म पे। और तुम इधर बात करोगे, मुंबई में तुमको बताएंगे तुम क्या खा के आ रहे हो, क्या बात करके आ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब जिन्नात बहुत सारे थे उनके पास। अच्छा। वो जिन्नाती इलम था, वो जिन्नाती इलम बता कर लोगों को बताना कि भाई करामत है, ऐसा है, वैसा है। हाँ। तो फिर ये बातें साला ना गवा रहे। हाँ, तो उनसे बहुत बहस होती थी, लेकिन फोकराई के आगे जो बाबा की बातें हैं ना, वो फोकराई बातें, उसके आगे उसकी नहीं चली। वो दो बातों में बहस किया, अली के और कादर वली के बारे में, उसकी मट्टी पलित हो गई। मतलब बहुत बुरी मौत से मारा, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसका अंजाम तक वो पहुँच गया। और बाबा को बहुत चाहता था वो, बाद में बोलता था बाबा कैसे है, बाबा को बुलाओ इधर। बाबा बोले उसको जरूरत है वो मेरे पास आने, बोल मैं नहीं जाऊँगा, फकीर किसी के दर पे नहीं जाता, ये भीख मंगा फकीर रहेगा जो भीख मांगेगा। फकीर दो जहाँ का मालिक होता है, अल्लाह की जात होता है। हक, सही। अल्लाह को फकीर का भेस पसंद है, क्योंकि वो खुद फकीर बन के आया था मूसा के टाइम। अल पकड़ो फकीर, अल पकड़ो नहीं, मैं फकीर हूँ और फकीर मेरा। और इनके कैसा, इनके पुश पे कदमे मुबारक भी है, मतलब ऊपर की सारी निशानियाँ ऐसी, कोई मतलब आदमी झुटला नहीं सकता। सरकार फरमाते जिसको देख के तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए, उस पर ईमान ले आओ। तो बेशक हमको तो याद आ गई, हमको तो एकदम वो हो गया था, हिबत हो गई थी, कई कई रात सोए नहीं हम लोग। अरे जहाँ जा रहे वहाँ बाबा मौजूद, वहाँ अपनी निशानी बता दे रहे, उनकी खुशबू आ रही है। चार जन बात कर रहे, बाबा का जिक्र कर रहे, तो वहाँ उनकी खुशबू आ रही है। अभी कहा हम लोग कैसा झुटला सकते भाई, आंखों देगा कैसा कोई झुटलाएगा। फिर आज लगा बाबा, मैं पहली बार जब आया था ना जी, मुझे अकील ने लाया था, अकील शाह कादरी है ना वो, रिक्शा उसने लाया था, रिक्शा वाला। तो उसने पहली बार लाया था, पहली बार अपनी मुलाकात हुई थी। तो जब बात चली थी अकील के साथ में, तो आप बोले मैं बैत बंद कर दिया हूँ 98 से। तो क्यों बंद करे, कुछ बता सकते है ऐसा। जी जी जी। हाँ, क्यों। इसलिए कि तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अच्छा। अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया बोले तो, जो अजमेर में जन्नती दरवाजा जो था वो 786 में बंद हो गया। अच्छा। उस टाइम से मेरी बैत बंद हो गई। अच्छा। जब से फिर हुक्म इलाही, हुक्म इलाही, बैत बंद, बैत बंद।
अच्छा, और इनका जो मामला था, जो सवाल सब था, रूहानी बैत। अच्छा, और ये जो तोबा का दरवाजा बंद होने की जो निशानियां है, जैसा कि बताया सूरज सूरज अपोजिट साइड से निकलेगा, तो वो सब भी देखा गया, उसके पेपर की कटिंग तक मौजूद है। अच्छा, वो भी किधर? गुजरात में देखा गया। अच्छा, हाँ, मतलब तोबा का दरवाजा सरकार ने 1400 साल तक तो की अल्लाह की नाफरमानी नहीं है। अगर तुझे ताकत है तो तेरी रूह को भेज और बैठ कर, मेरी रूह तो बैठ कर रही है। और जब मेरी रूह पीर है ना, जिसम मुरीद है, रूह पीर है, तो उसको बैठ करना लाजिमी है, अगर तू सच्चा पीर होगा तो। बुरा नहीं मानना मेरी बात को बाबा, ये बोलूंगा। तो मेरा जो रूह जो है वो सारी दुनिया में बैठ कर रही है। मैं बैठा हूं इधर, और ना मैंने कभी किसी से भीख मांगा नहीं, वो तो। मेरी जिंदगी वैसी चली जा रही है, और कभी अल्लाह ने मेरा जेब खाली रखा नहीं, और ना मैं इन्नाती जिन्नात मेरे से 40 कदम दूर भागता है। तो वो दम है वही जो दम की खबर लाए दम बदम, आवाज जो ना दे वही बेकार साज है, फेंक डालो। बेशक रूह कब्र में भी जा सकती है ना। हाँ, जब तुम्हारा दुनिया में नहीं रूह घूम रही तो कब्र में कहाँ से जाएगी। हमारे पीर से पूछे थे हम लोगों ने, हजरत आप हमको कब्र में बचाने आएंगे? उसने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा। तो नहीं नहीं मैं तो नहीं आ सकता, फिर हमारे वसीले से कोई आ जावे तो। मैं बोला आपसे फिर बैत हो के क्या, जब पीर हमारे को कब्र में बचाने नहीं आएगा तो बैत होने का मकसद क्या? जहाँ पे असल तो परीक्षा वही है। भला फिर अभी ये जो सवाल जो थे, जब दम में और सांस में क्या फर्क है? फिर अलग अलग है ना बाबा। अभी मैंने बताया ना, दम है वही जो दम की खबर लाए दम बदम, दम बदम है ना, दम बदम। तो ये अगर आवाज नहीं देगी तो साज बेकार है ना, रूह अगर बैत नहीं करी तो बेकार है वो। अच्छा। वजूद ही बेकार हो गया वो। सांस धोखा दे देगी भाई, दम 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 ने धोखा देगा। दम वो अल्लाह का होता है, सांस जो है वो मौत है, दम को मौत नहीं है। जिसको दम मिलेगा उसको मौत नहीं है, उसकी सांस भले ही रुक जाएगी लेकिन दम के बल पे वो मेरी सांस रुक जाती है। नौ नौ दिन तक के सांस रुकी रहती है, मशीन बंद हो जाती है पेट की, सांस रुक जाती है पर दम पे काम चलता है, दम पे चल रहा है वही। क्या बात, हाँ दम पे मेरा काम चल रहा है, तो दम पे ही बैठ है ना, सांस से बैठ। ये फर्क था। अब ये खोटे सिक्के कैसे बताएंगे कि दम में और सांस में क्या फर्क है, जिसको दम की खबर ही नहीं, जिसको दम है वही बता सकता है। और दम से ही सारा मैं पढ़ा लिखा तो हूं, ने हर सवाल का जवाब दिया, लोग कुरान में देखे, लोग बाइबल में देखे, लोग गीता भागवत सब में देखे, जो जो मैं बोला वो वहां लिखे लाए, यहाँ सुनते थे वहाँ देखते थे, और वहाँ अरे बाबा ने ये बात बताई थी, ये तो इधर लिखी ली। अच्छा, कि तुम्हें सवाल का जवाब कहाँ मिला था? जब जो गौसपाक के कदम मौला अली के पीठ पर है, नहीं है, उसने बताया ना, इनके मुरीद ने बताया। अच्छा, तो मैं बोला यार मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा? अच्छा, तो वो हम लोग को उस चीज की लालच हवस आई, बोले चलो इनके पीर से मिलेंगे। तो पीर के बारे में उसने दो चार बात और बता दी, और वो हो गए हम लोग अपनी भक्ति नहीं है। तो फिर भागे हम लोग उधर, उनसे मिलने की मतलब चाहत, हाँ, चाहत बढ़ गई ना। सबका सवाल का जवाब दिया ना, जो मिले ना भाई, आज तक छूटे नहीं हम लोग अपनी नहीं। अच्छा। ना ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते बाबा से, भले ही बम्बई जाए लेकिन फोन एक जरूर आएगा।
आजाद भाई भी होते तो मजा आ जाती जरा बात वो क्या जरा काम में जरा वो हमारा भी अचानक हुआ संडे का था ना संडे को सब आ रहे थे भाई संडे को क्यों ना वाले थे लेकिन ये क्या हो गया अचानक तुम बोले ना उन लोग लटक गया मैं कैसा आ गया मालूम मैं ऐसे ही आ गया अब हमारा जो है ना जो फोटोग्राफर है उसको संडे को छुट्टी नहीं सबसे बड़ा मसला ये अल्लाह की मर्जी जो मर्जी होगी क्या यही करता है अब आज भी गाड़ी के ब्रेक पर लोग उसके बाद भी हम आए धीरे धीरे चलते चलते मिला नहीं भाव को मिलना है तो मिलेंगे तुम्हारा वहाँ फेल हुआ मैं इनको बोल रहा फोन मार भाई हाँ पहले ही बोल देते अरे क्या मालूम पड़ गया था अब तुम्हारा जुमा को आने का था हाँ। तो रात में मैंने इसको बोला फोन मार हाँ। छोकरे को बोला फोन मारने तो बोलता मैं सुबह मारूंगा हाँ। सुबह मारते सब गड़बड़ हो जाती सब गड़बड़ हो जाती मुंबई वाले वही सोचते थे संडे का है प्रोग्राम हाँ हाँ फिर वो वैसी तैयारी तो रात में इनको मैंने बोला तो रात को आपको फोन की अच्छा तो आपने बोले भाई इतवार को नहीं मैं जुमा को आ रहा हूँ हाँ। तो फिर जैसे जैसे आपने बोले वो मेरे को फिर मैंने सबको फोन करवाया कि भाई इतवार का कैंसिल है जुमा को है जिसको आना है वो जुमा को आ जाए अच्छा कोई नहीं आया हाँ तो अभी इतने कम वक्त में कैसे आ सकते हो कुछ आसान भी नहीं है ना ऐसा सबके लिए कायनात के लिए कोई संदेश है तुम्हारे लिए तो वो बताओ हाँ बोलो बाबा मतलब कुछ है या जो लोग अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए दरुद शरीफ अच्छा बस अल्लाह बाकी उसका इलम बाकी बाकी सब ने अपने अपने इलम को सीने में लेके चले गए अच्छा सिर्फ तुम्हारी अल्लाह सुनेगा तो दरुद शरीफ पढ़ेगी तो सुनेगा और ये कुरान वुरान पढ़ेंगे तो ये सब मुंह पे मारेंगे तेरी जाहिरी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा जाहिरी ये वो इबादत तो कोई काम की नहीं तो ये सब जाहिरी इबादत है ना बा सही हकीकत बात जाहिरी इबादत है ये वो तो बोला मैं दिलों का देखने वाला सही तेरा दिल क्या कर रहा है बेशक नियतों के साथ फैसले है बेशक दिल अल्लाह का जैसी नियत है वैसे फैसले है अब मुसलमानों के नफ्सों में जलवा घर है नैनो अकरम मिन हब्लुल वरीद मैं तुम्हारी धड़कती हुई शारक से ज्यादा नजदीक है ना ये मुसलमानों के दिल में नफ्स में जलवा घर है और मोमिन के दिल में है खुलबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला की मोमिन का दिल अल्लाह का घर है अर्श आजम है घर है तो मोमिन कोई भी नहीं है सारी कायनात मुसलमान है अच्छा क्योंकि मोमिन मोमिन की कसम खाया है उसने इंसान की कसम खाया है उसने इंसान जो है वही मोमिन बनेगा बाकी सब जानवर है क्या बात है क्या बाकी बात सारे है? जानवर है जानवर जब ये... जब निजामुद्दीन औलिया कुत्ता थे बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मोर थे और बाज बड़े पीर गौसल आजम दस्तगीर बाज आसमाने मार्फत का बाज हूँ मैं सही सही सबने सब जानवरों में गिनती है मामूंद चार पाए कि जिसने अपने आप को जाना सो पूत ने तो मूत का मूत पिशाब के रास्ते से आया है पिशाब के रास्ते से बह जाएगा क्या समझे बाबा आया समझ में ना तो अल्लाह क्या चाहता है ये किसी ने नहीं जाना सब अपने अपने चाहत में लगे कोई नहीं तो ये रोटी बोटी चोटी में लग गए ना बाबा ये तो आदम से ही शुरुआत हो गई आदम ने अल्लाह का जिक्र भूल गया सही हवा का शक्ल देखा और आदम ने अल्लाह ने जो जिक्र दिया था वो भूल गया तो वो अर्श पे ही वो जिक्र रह गया जमीन पे नहीं आया होगा नहीं पढ़ सकता जब कुछ दिन गुजर गए दो चार दिन तो अल्लाह पाक बोले ए आदम तेरे जिक्र में खलल कैसी तो बोले अल्लाह पाक उसके गाल ऐसे है उसके बाल ऐसे है उसकी नाक ऐसी है उसकी आंख ऐसी है फलाना 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 तो ठीक है तू आंख खोल तो बाजू में बैठी हुआ वो जिक्र भूल गया अल्लाह का जिक्र तो अल्लाह का जिक्र कहाँ मिलेगा किसको किसी को भी नहीं मिला किसी ने बुला दिला तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि
आदम भी ना फरमाने शुक्राना, आदम और आदम ना शुक्राना, बेमान उसकी औलाद भी ना शुक्राना, बेमान ये खुद अल्लाह ने फरमाया जबकि कायनात बनी भी नहीं थी। कुरान में भी है ना, मुख्तसर से लो आदम की औलाद ना शुक्राना बेमान, उसकी औलाद भी ना शुक्राना बेमान, तो कौन रहा, कौन वली रहा, कौन क्या रहा, समझ के बाहर है नहीं? नहीं सही है, तो ये जो बातें पर हकीकत है ना, कुछ गलत थोड़ी बात, कुरान में फरमा रहा है ना, और ना शुक्राना बेमान है, कसम खा रहा है, फिर वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तूरी इसकी हाजल वलादिल आमीन लकत खलक था इंसान, मैंने इंसान को हसीन और खूबसूरत साँचे में डाला, बहुत मेहनत मशक्कत से बनाया है। अब बताओ ये अपने लोगों को तो उसने बना दिया फरिश्तों ने, इंसान को बनाने वाला खुद मालिक था, 70,000 साल लगाया उसको बनाने, अपनी शक्ल का उसने बनाया, नहीं तो ये जो फरिश्ते बनाए ना सब जानवर की शक्ल बनाए थे, अपनी अपनी शक्ल, अपनी अपनी शक्ल, कोई कुत्ते की, कोई बिल्ली की, कोई चूहे की, कोई फलाने की, कोई गाय की, कोई भैंस की, कोई सब जानवरों की शक्ल, सिर्फ अल्लाह ने अपनी शक्ल खुद ही बनाई, वो अपनी शक्ल खुद बनाया उसने अल्लाह ने, अब उसको सजदा कराने बोला था और अपना नाम भी उसको दिया ना, और अपना नाम भी दिया उसने, अपनी शक्ल भी दिया, अपना नाम भी दिया, अपना काम भी दिया उसने, वही अल्लाह के मकसद को हल करेगा, क्योंकि सब अपने अपने मकसदों में लगे हुए हैं, अल्लाह का मकसद कौन हल करेगा। नहीं नहीं, अभी कजा के 40 रोजे सरकार ने बोले थे ना, हर एक के ऊपर फर्ज है, मौत के पहले कजा के 40 रोजे रखो, कौन रखा कजा के पहले 40 रोजे, कजा के कजा उम्री बोलते नहीं क्या, और कभी कभी अपन एक दिन में ही निकाल लेते, मौलाना बोलता है एक दिन रख ले नियत करके, लेकिन 40 दिन पानी के ऊपर रहना पड़ता है, पानी और बुजुर्गों ने चाय की, वो पानी किस लिए, तुम्हारी अतड़िया साफ हो जावे, गंदगी साफ हो जावे, बाबा ने 40 दिन का, जब ही तो वजूद पाक हुआ तो अंदर तो पूरा, ये जिक्र पहली बार सुना हूं मैं, इसीलिए वापिस पूछ रहा हूँ कि 40 दिन तक कजा के रोजे सब ने रखना ही है, लाजिम है, सरकार का हुक्म था, ये सारी हदीसें छुपा दी गई है, वजूद पाक होएगा ना उसका तभी नमाज, सारी हदीसें छुपा दी गई है, तो सिर्फ पानी पीना है, हाँ अतलियों के लिए 40 दिन खाना वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, वो भी मेहनत करके जो तुम काम कर रहे हो, वो भी मैं सर्विस करके किया, ये बात सीमेंट की गोनिया उठा के, हाँ श्री दिग्विजय लिमिटेड सीमेंट कंपनी सिवड़ी बॉम्बे 15 में, जब जाके बोल रहे ना, तो जब जाके यहाँ पर पहुंचे ना, पेट और पीठ एक लग, तो ये मेरे बच्चे भी जानते ना ये बात को, क्योंकि मेरे बच्चे भी पैदा हुए थे, नीम की खाली पत्तियां खाते, नीम की पत्ती खाता था बस, जो ज्यादा भूख का असर होता था, तो रोजे के आलम में खा सकते रोजा छोड़ने के बाद, वो रोजा सिर्फ 24 घंटे का रोजा रहता है, वो 40 दिन से पहले मतलब पानी पी सकते, रात में दिन में कभी भी पी सकते, उसके लिए ये नहीं है कि भाई जाने क्या है, तो सूरज उगने के पहले या डूबने के पहले, नहीं 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 वैसा नहीं, वो 24 घंटे का रोजा रहता है, हाँ अनाज नहीं, जिक्र अनाज नहीं, सिर्फ पानी, खाली पानी के ऊपर साफ हो जाता ना पूरा वजूद, फिर पाक हो जाए, फिर खुशबू आएगी, गंदगी निकल जाएगी, सर्विस कर रहे जो भी कर रहे हैं, घर भी देखना है तुम्हारे को, और वो रोजा भी, बाल बच्चे भी देखना है, ऐसा भी नहीं कि बाल बच्चे छोड़ के कि मैं रोजा रखा हूँ तो देख कौन, ना 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 शरीयत कायम किया ना सरकार ने, शरीयत कायम किया है ना, शरा कायम है, तो काम तो करना ही है, काम करना है, बीवी बच्चे पालना ही है, जरूरी है, बीवी बच्चे पाल के काम करना है, ये तब जाके तेरी मकफरत होगी, सही, वरना तेरी मकफरत नहीं है कोई भी हालत में, तू पीर बन या मंगल बन या बुध बन। सही सही बात, एकदम सही बात, ये हकीकत बात, बीवी बच्चे जरूरी है, उसके बगैर नहीं जा सकते, माफियत भी नहीं है, नहीं बगैर शरा के तुम कितना भी इबादत करो तुम्हारी इबादत ही फेल है, सही, शरा कायम है।
ये तो सरकार ने फरमाए। तो 40 दिन के रोजे रखना सब पर जरूरी है, तो फिर रोजे रख के फिर वो उस पर अमल भी करना। अच्छा, तो मतलब कि ये नहीं है कि फिर वो ठासते रहना। अच्छा, फिर कम कम करते जाना। अच्छा, अनाज को कम कम करते जाना, जिक्र को बढ़ाते जाना। अच्छा, क्या तीन खाने हैं? हाँ, है ना। हाँ, तीन खाने हैं, एक खाना का खाना, हाँ, एक पानी का खाना, एक हवा का खाना। अब वजूद में तीन खाने हैं, तो हवा का खाना तीनों बना दे। अच्छा, तब तेरी मकफरत होगी। तो तू हवा पे जिंदगी बसर कर सकता है, हवा पे तुझे भूख नहीं लगेगी, हवा पे तुझे प्यास भी नहीं लगेगी। क्या बात। तो ये खजूर खिलाना, ये अरे तू उसको 40 दिन वापर के तो देखा क्या, पीर खिलाता है ना खजूर दूध, दूध बोले प्यास नहीं लगेगी। मैचर को काय को देख रहे, पहले तो दुनिया में देखना। यही 40 दिन के लिए ही रहता है, कजा के रोजे रखने के लिए दूध खजूर। ये मैचर में भूखा प्यासा, आप बुरा नहीं मानना मेरी बात। बोलो ना, जो हकीकत है वो जरूरी है ना बाबा। देखो अभी हम तक भी जो जो इल्म पहुंचा, तो हमारे पीर ने जो बताया या हमारे बुजुर्ग ने जो बताया उससे कैसे पहुंचा। अभी आपसे मुलाकात हो रही, तो हर चीजों पे कोई बहुत सारी चीजों पे तो नहीं, पहली बार, और इस पर रोशनी गिर रही है। हकीकत बात है, का कमी है, का गलती है, का सुधार करने की जरूरत है। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। उसको आजमाना 40 दिन। भाई तू यहाँ आजमाएगा तो वहां तेरे काम आएगा। हाँ, यहाँ तो आजमाया ही नहीं। अरे मैचर को किसने देखा है? दुनिया में देख, दूध से प्यास नहीं लगेगी, खजूर से भूख नहीं लगेगी। हाँ, तू यहाँ आजमाया क्या? दुनिया में आजमा पहले, क्या बोलते? सही है ना, जरूरी। मैं 8-8 दिन नहीं खाऊं तो मेरे मेरे चेहरे पर सिकंद नहीं आएगा बाबा। ये सब मेरे बच्चे जानते हैं। हमको तो बलजबरी खिलाना पड़ता। अच्छा, हाँ, बच्चा जो है ना मेरे से ज्यादा बच्चा खा ले, हमारा अब्दुल्ला ही खा ले गए मेरे से ज्यादा। उतना खाना मैं खाता हूँ, एक रोटी भी नहीं, उसमें से बच जाएगा। हाँ, रोटी कभी कभी एक रोटी भी दबा डालता। हाँ, वो तो कभी मूड की बात है, मूड में आ जाता कभी, अच्छा लग जाता दबा, बट एक रोटी से ऊपर नहीं। अच्छा, और अभी मुझे, अभी मैं जैसा जो बाहर गया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछे कि अभी अभी तो आपसे बैत अगर उनको होना है तो किस तरह से वो बैत हो, क्योंकि आपके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं आधा महाराष्ट्र जो चला हूँ उससे जायद फिरा हूँ, तो आपके बारे में बहुत सारी जगहों पे जिक्र हुआ है, लोगों ने बातें की। आप बोलने का उनसे मिलो। अच्छा, वो बताएंगे बैत के बारे में। अच्छा, क्या समझे? हाँ, अगर तूने पीर समझा है, तूने अगर पीर समझा है तो मेरे को दिल में बसा ले। अच्छा, फिर तेरे को रूहानी बैत मिल जाएगी। अच्छा, दिल में अगर मोहब्बत मेरी रहेगी तो आते जाते रहेगा, तो फोन में बात कर सकता है, साल में एक टाइम मिल भी सकता है, क्या अच्छा, खिदमत भी कर सकता है। बगैर खिदमत के तो मिलने वाली नहीं है कोई चीज। नहीं, वो तो है। बैत एक बहाना है। अच्छा, बैठ एक बहाना है बाबा कि ये मेरा हो गया। अच्छा, अरे बच्चे बैठ नहीं है, तुमने देखे ना, आजाद है, मुन्ना है, और भी बहुत जने हैं। तो इन लोगों को सबको रूहानी बैठ मिल गए। अच्छा, किस्मत कर रहे तो मिलेगी इतना।
मेरी रूह बैठ कर दरूद शरीफ मेरा एड्रेस है, दरूद पाक मेरा एड्रेस है, तुम नमाज पढ़ के तुम करो तो देखो तुमको सामने आ ही जाएगा वो। देखे है लोगों ने, ये नहीं कि झूठ बोल के लेके जा, अभी भी है वो लोग, अभी भी जिंदा है। फिर जाके छोटे साहब को बैठ हो गए। नहीं थी नसीब में तो ये चिलम ने मेरी बहुत जान बचाई। हाँ चिलम मैं लाखों इलम थे, ये तो पहलवान वहां भी बोलते थे कि चिलम तेरे में लाखों इलम, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को कम। और चिलम तो पहलवान वहां के यहाँ भी चलती है, सुनने की चिलम। हमारा घर अक्कलपुर में है ना, तो यहाँ पर पहलवान बाबा अपने वक्त के बहुत ऊंचे पाए के बुजुर्ग है। चिलम ने मेरी जान बचाई, चिलम नहीं होता तो हजारों करोड़ों लोग मेरे पे हाथ पे बैठ हो जाते थे। लेकिन मैं मुर्दों को लेके क्या करूं? सही बात, मैं तो अपनी जान बचा रहा था बाबा, ये चिलम मेरी जान बचाने वाली बात थी। सही, हाँ जिसने माना वो तर गया, जो नहीं माना वो बह गया। मूत का मूत हो गया, नहीं तो पूत हो गया। जो रह गया वो पूत, जो बह गया वो मूत। मूत पिसाब के रास्ते से आया, पिसाब को जैसा बह जाएगा। जिसने माना वो पूत हो गया। एक ही जगह से निकले मूत भी और पूत, आयशा जो रह गया वो पूत, जो भय गया वो मूत। मूत सही, क्या बात, हकीकत है, सुभान अल्लाह। जो रह गया वो पूत, वाह भय गया तो क्या, आयशा बात, क्योंकि दोनों चीज एक ही रास्ते से आई, एक ही रास्ता है ना। सही, अब ये अपने वजूद में 14 तबक है, पनिया किसी को 11 तबक मालूम है तो किसी को 12 तबक। अच्छा 14 दरवाजे तो 13 दरवाजे तक तो लोग पहुंच जाते। अच्छा 14 दरवाजे का मुश्किल है पहुंचना। अच्छा 14 दरवाजे का खुलासा कोई नहीं किया, मैंने 14 दरवाजों का भी खुलासा कर दिया। पूरे 6 है क्या? अपने वजूद की बात बोल, दस दरवाजे से रूह निकलेंगी वो निचली की तरफ ढकेली जाएगी। 10 दरवाजे से निकलेंगी वो निचली की तरफ ढकेली जाएगी, जहन्नम में जाएगी। अच्छा सीधी सी बात, हाँ। या कान से निकलो, हाँ। आँख से निकलो, हाँ। मुंह से निकलो, हाँ। नाक से निकलो, हाँ। संडास के रास्ते से निकलो, हाँ। पिशाब के रास्ते से निकलो, ये सब निचली की तरफ जाएगी। अच्छा सब जहन्नम में, वलियों की रूह जो है तालू में जाकर बैठ गई, और हमारी रूह तमाम लोगों की तालू से घुसाई गई है, फिर तालू में पैक कर दिया गया, और फिर उधर ही जाना है। आए भी उधर से, जाना भी उधर से, और जाना भी उधर ही है। ये पते की बात बता रहे हो बाबा, क्या मन चाहिए ना, और क्या पूछते, पूछो
बस बाबा आपसे मुलाकात करनी थी, कोई सवाल कोई जवाब नहीं कुछ नहीं। हम है तो बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में पूछे ये करे, फिर बात हुई तो मतलब चलो यार सरकार को मिल के आते हैं। फिर आपकी जजा नवाजी के दावत दिए, गुलपुशी करे, ऐसे हमारी कोई ये नहीं थी, लेकिन आपकी जजा नवाजी कि आपने हमको नवाजे और हमारी खुशकिस्मत ये कि आपसे मुलाकात हुई। बहुत जने चाहते थे मेरे को, मेरा बन जावे, मेरा बन जावे, कला में पीड़ा लग। तो साबित तो के लिए अलग, मेरा बन जावे, बहुत से लोग की चर्चा भी होता था। छोटे साहब समझते थे मेरे साहब, चमचे भेजे फकीरों के इधर, बंदा नवाज के सुदराज के अंदर, फकीरा भीख मांगते नोटों की ढीक लगी हुई है पीछे के दरवाजे में किले के। अच्छा, बंदा नवाज के पीछे का दरवाजा वहाँ पोखरा जो है ना, इधर बानवा बैठता था, इधर रफाई वाले बैठते। अच्छा, है ना। दरवाजे के ये गाले में बानवा सिलसिला बैठता था, ये गाले में रफाई वाले बैठते। अच्छा, बोले मतलब मेरे को बता रहे थे कि तरीके की ऐसा मतलब होता है, वैसा मतलब होता है वो। तो मैं पहले ये एयरपोर्ट वाला, हाँ नहीं 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 यार, वो बाबा के पास उमर शाह फैजुल्ला, बोले उसके पास कुछ भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, तुम इधर आ जाओ, वैसा है वैसा है। तो हालांकि मेरे को सब चाहते थे कि ये हमारा बन जाए, छोटे साहब भी। फिर वो मैं महफिल में गया, ये छोटे साहब बोले तो इब्राहिम शाह कादरी, इब्राहिम शाह कादरी बादशाह कादरी का बेटा। अच्छा, उसको मैं बगर मूछ के देखा हूँ। अच्छा, जब से मैं आता जाता। अच्छा, अच्छा, तो इसीलिए आप उनको छोटे साहब बोलते क्या? उनको छोटे साहब ही से नाम पुकारते, ऐसा। अच्छा, क्या समझे? हाँ। इब्राहिम शाह कादरी को छोटे साहब बोलते। तो आप तो मेहताब शाह कादरी के पहले मुरीद थे ना? हाँ। हाँ। उनके मुरीद होने के बाद ये लफड़े हो गए। हाँ। सब किसका मुरीद कोई भी बना रहा है। हाँ। जबकि कलमा गो को बोले बैत करना, माँ के साथ जीना करना। हाँ। ये बादशाह कादरी का कौल था और खुद ही वो उसमें गिर गए। अब करना तो क्या करना, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, खामोश बैठ गए। फिर वो मेहताब शाह बाबा से हम लोगों ने बैठ हुए। अब मेरे को क्या है, मेरे को तो कुदरत के तरफ से हर एक चीज मिली। अच्छा, मेरे को कोई इलम देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, मेरे को कोई इलम नहीं दिया, मेरा साला मेरे पीछे जासूस लगा दिया था कि ये किधर जाता है, किससे इलम हासिल करता है, ये तो अनपढ़ है फिर भी ये इतना बोलता है। तो फिर आपका इल्म का रास्ता शुरू कैसा हुआ? अल्लाह से। तो शुरुआत कैसे हुई ऐसा? कुदरती तरफ से। अच्छा, कुदरत की तरफ से जंगल में मिलता था मेरे को। अच्छा, तो जब हाँ मतलब कुछ इल्हाम होता था या आपको कुछ लगा हुआ या बशारत में आते थे, बशारत में मालूम होता था। अच्छा, इस तरह से दरूद शरीफ पढ़ो। अच्छा, इस तरह से भेजो। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं खोल के फिर मेरी रूह जब पढ़ती थी, कलमा भी पढ़ी मेरी रूह ने, दरूद शरीफ भी पढ़ाया मेरे रूह है ना, भेजना भी सिखाया। अच्छा, अल्लाह ने। अच्छा, तो रूह करती थी वैसा, फिर जिस्म करने, फिर बाद में मैं होशियार हुआ तो मैं चालू कर दिया। तो ये सैयद जलाल शाह मुराद शाह बाबा के दरगाह के ऊपर वहां मैं रहता था, वहां झोपड़ा बना के किले के बाजू में, बम्बई में, बम्बई में सीढ़ी कोली बाजू। अच्छा, हाँ, जलाल शाह मुराद शाह बाबा के यहाँ पे आप झोपड़ा बनाकर रहते थे? हाँ। अच्छा, किले के बाजू में। अच्छा, कितने वक्त रहे कुछ वहाँ? 2-3 साल था। 2-3 साल। हाँ, वहाँ गौस पाक का झंडा भी चढ़ाया, फिर लोगों ने गड़बड़ करके झंडे को तोड़वा दिया, लोगों ने तोड़ने लगा दिया। अच्छा,
पोट्रेस की जगह थी ना वो। अच्छा। आज फिर उधर बस गए लोग, वहाँ कोलगेट कंपनी भी बनी हुई थी, वो भी टूट गए। वो भी टूट गए। अब किले में वो जिक्री लाई करते बैठते थे, किले के अंदर 40 दिन तक वहीं बैठे थे। खैर उत्तर आज मत खोलो यार, वो पर्दा है तो पर्दे में रहने देना बापू। छूते ही छोड़ गया, बहुत बड़ी बात है। कुत्ते को और ये जो बातें हैं इसकी जो वीडियो बना तो वीडियो पे डाल सकते हैं कुछ, ऐसा हर्ज तो नहीं ना? नहीं नहीं, काय का हर्ज है, आप मेरे से जवाब सवाल पूछ लो। कैसा है? ओहो, कोई भी ऐलान खुले, क्या पूछने का है पूछ मेरे से। मेरा तो पक्का है आधा ईमान, बाकी जी आधा ईमान मेरा पक्का है, जिक्र फिक्र से आधा ईमान है मेरा। सही, आधा तो पाकी जी है ना। मुकम्मल हो गया, उनकी बातें सब सर के ऊपर से चले जाएंगी, जो समझ नहीं पाएगा तो सर के ऊपर जाएंगे, उनकी गलत बात का मतलब निकालते रहेंगे लोग। तो वो तो देखो जिसका मान जैसा, जब अभी सूरज की रोशनी है, पानी है, अभी किसका बर्तन खराब है तो पानी खराब हो जाएगा। बर्तन पाक रहा तो वो पानी पाक रहेगा, वही पानी पाक भी कर रहा है, सब कर रहा है, तो ये जरूरी है ना। बर्तन जैसा होगा उसका असर उस तरह होगा। बातें सब सबसे हटके लगती बातें। तो मैं रूहानियत में हूँ ना बाबा, हैवानियत में नहीं है ना। रूहानियत बात अलग है बेटे, बाबा सरकार जो भी मैं बात कर रहा हूँ सब रूहानियत, हैवानियत की इसमें बूबास भी नहीं है न। मैंने अपने किसी औलाद को बताया हैवानियत, सब रूहानियत में। भाषा कादी के पोखरा फकीरों से भी पूछा मैं, उनके खलीफाओं से भी बोल रहा था, ये हैवानियत छोड़ रूहानियत बता, रूहानियत। अब मूसा अलैहिस्सलाम की एक हदीस आई, जब वो अल्लाह पाक से बोले, अल्लाह पाक मुझे कुछ ऐसा जिक्र दे, मैं तुझे चाहूं, तुझे देखूं, तेरी इबादत करूं, तो अल्लाह ने बोला जा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़। बोले अल्लाह पाक ये सारी कायनात पढ़ रही है, मैं तो कोई खास चीज चाहता हूँ, तो फिर वही निदा आई कि कलमा तैयबा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक ये सारी कायनात अदा कर रही है, मैं कोई खास चाहता हूँ, तो तीसरी मर्तबा ए मूसा सात जमीन सात आसमान एक पल्ले पे रख दो और कलमा तैयबा एक पल्ले पे रख दो, सात जमीन सात आसमान उठ जाएगा, कलमे का पल्ला झुक जाएगा, कलमे में वो ताकत है। तो कलमा तो यही है ना, अगर ये एक पर्ची पे लिख दिए 10 किलो पे वजन तो आएगा क्या? नहीं। फिर कौन झूठा? झूठा ही अल्लाह साबित करके बताना पड़ता, पढ़ता वो कोई नहीं बता सकता। सच है ना ये बात? तो इसलिए कलमे को तहरीर और तकरीर के बाहर कर दिया, कलमे को, कलमे पाक है, तुम गंदा है, गंदा आदमी कलमा पाक कैसे पढ़ा सकता है? नहीं। या तो जा मेराज में पढ़ ले, पहले अपने आप को पाक करना पड़ेगा, कलमे पाक हर चीज सही बात है, हकीकत है, पाक कर पाक होना पड़ेगा, नमाज पढ़ने के लिए भी पाक होना पड़ेगा, ऊपर से हाथ पैर धो लिए वजू हो गया, बोले अगू भाई वैसे ही भरेला, वो लेके मुसल्ले पे खड़ा हो जाता आदमी, बदबू आ रही। रूही तो कबर के सवाल जवाब देंगे, तो रूह कब नमाज पढ़ना, कब वो कलमा पढ़ना? तो जिस्म को पढ़ाया नमाज, जिस्म को कलमा पढ़ाया, रूह को कहाँ पढ़ाया? सवाल जवाब रूह से, रूह तो गू में भरी हुई पड़ी थी, आखिर में परेशान होती है, गांठ पे लात मारती है, पानी में डुबा देती है, गाड़ी मोटर के नीचे ढकेल देती है, निकल जाती है,
अंगार डलवा देती है, तेल वेल डला के अपने हाथ से अंगार लगाई है, बाहर निकल जाती है जल तेरी माँ का। जला तो जिस्म है, रू तो निकल गई। अपनी जान बचा ली, इसको सड़ा दी ना, इसके जिस्म को बर्बाद कर दी। क्यों? कि तूने उसको गंदगी में रखा। तो गंदगी में कैसा रहेगी वो गंदगी में, अल्लाह का जिक्र कैसा करेगी? कैसा करेगी वो? गू में अल्लाह का जिक्र होगा तो वजूद तो पूरा गंदा है। माफ करना ये बातों को, तुम बुरा नहीं मानना मेरे बाबा। साफ करना जरूरी है, वही 40 दिन के कज़ा के रोजे, उसका वही इलाज है। वजूद को पाक करना जरूरी है, पहले वजू है बाद में नमाज है, कायम वजू। अरे तो कायम नमाज, तू कलमा ही नहीं आया ना। हाँ, कलमा तो इबलीस लाके पढ़ाया। कलमा किसने लाया? कलमा किसने लाया सरकार? कलमा इबलीस लाके पढ़ा। कैसे? मस्जिद नबी में सरकार बैठे थे, जब आपको घबराहट हुई ये इबलीस कैसा आ रहा है, तो बोले अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, तो बोले आ मर्दूद, बोले तुम्हारे उम्मत के लिए मैं एक चीज लाया हूँ। तो जिब्रील आकर कान में बोलते ले लो, तुम्हारे उम्मत के काम आएगा। तो कलमा तैयबा ला के पढ़ाया उसने। हदीस है ये सारी, सब छुपा दी गई है, सब इस्लाम को गुमराह कर दिए ये मौलानाओं ने। तो ये तो इब्लीस लाया कलमा, तो असल कलमा तहरीर तकरीर के बाहर है, वो कौन देगा? अब तो मेराज में जा, अल्लाह से पूछ। सही बात है ना? अरे देव ना यार जवाब। सुन रहा, मैं सोच रहा, पहली बार सुनाओ ना, पहली बार सुनाओ ना। मैं ये तुम कितने बार सुने? जमाने से सुनते हैं। अब ये जमाने से सुनो, क्योंकि ये करीब है आपके। लेकिन वो सही बोल रहे, तो वही तो बात है जो मैं अभी आपको बोला ना, उनकी जो जो बातें हैं ना, सबके किसी को रिएक्शन होता है, कोई मान जाता है, ये होता है, कोई कोई फिर बोलते हैं सब, फिर अलग ही हिसाब है, चलो फिर अल्लाह पर्दा डाल देता है वो बातों को। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। हाँ, ये चीजों को अगर आप ढूंढोगे तो आपको खुद दिखेगी, सामने आएगी सारी हदीसें हैं बाबा। बहुत सी हदीसें छुपा दी गई है, क्योंकि मौलाना के बस की बात नहीं है। नहीं है, बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो बोलेगा तो फंसता है कि मैं खुद इब्लीस का कलमा पढ़ रहा हूं। इसलिए कलमे को तहरीर और तकरीर के बाहर कर दिया। सरकार बोले भी ना, कलमा पढ़ना निजात का सामान मत समझो, क्योंकि कलमा पढ़ना, पढ़कर जानना, जानकर पाना, पाकर जाना, तब तेरी निजात है। अब उसमें पाने, जानने वाली भी बात है और पाने वाली, पाके लेके जाना भी है। कलमा पढ़ना, पढ़कर जानना, जानना, जानकर पाना, पाकर जाना, तब तेरी निजात है। कलमा पढ़ लेना निजात का सामान मत समझो, सरकार बोले। ये तो सरकार बोले। कौन कलमा नहीं पढ़ता है? हिंदू भी पढ़ लेता है, हर धर्म का आदमी पढ़ता है, हर धर्म का, हर धर्म के अंदर है कलमा। हर धर्म में ओम नमः शिवाय बोलो, कलमा ला इला इल्लल्लाह बोलो, एक ही है, एक ही। फिर उसको हिंदू बोल दिया, गैर बोल दिया। गैर था तो अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अल्लाह क्यों बोला मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हूँ, मैं आलम का रब हूँ? गैर होते तो इमाम हुसैन की मदद करने नहीं। अरे यार, गैर होते तो लकम दीन को वलियत दीन दे बोलता था सरकार। चाय बोलना चाहिए, तेरा दिन का भी दिन मुबारक, दिन को उनका भी हक, क्योंकि दोनों एक ही थे ना, सरकार जानते थे ना, बोले ना लकम दीन को वलियत दी, तेरा दिन तुझे मुबारक, मेरा दिन मुझे मुबारक। शैतान तो आज भी नमाज पढ़ता ना, इसलिए तो मुसल्ला लपट के रख रहे ना, वरना मुसल्ले को लपट के तो इसके लिए बुजुर्गों ने बोले ना,
क्या मुसल्ला तनका है तन्हा नमाज पढ़ जाई, तन्हा पढ़ने सही है। इस मस्जिद में मोरजन कहाँ, इमाम कहाँ, रू की नमाज तो पहले पाक तो कर फिर नमाज पढ़ने बैठ, तभी तेरा होएगा काम। तन को ही मुसल्ला बनाना, हाँ तन को ही मुसल्ला बनाना है तो रूह उसके ऊपर बैठेगी, नमाज पढ़ेगी, रूह को सवार करके उसको नहीं तो नफ्स तो काफर है, उसको मोमिन कब बनाएगा, है ना। तो कोई बोले नफ्स काफर है, नफ्स कुत्ता है, लेकिन अल्लाह उसी में जलवा कर रहे हो, क्या बोलेंगे, तुम बोल भी रहे हो तो सुन भी रहे हो। यही तो है ना कि नफ्स पे जो नून का नुक्ता है ना, तो यही तो है, वहां से नार भी है और नूर भी है। तो ओम में नुक्ता नहीं है, ओम में नुक्ता नहीं है, है ना, ओम में भी, ओम में भी नुक्ता है ना, ये तो बात है। अरे बिना नुक्ते के कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, वाह सही है ना। तो इमाम हुसैन हिंदुओं को हिंदुओं का कलमा पढ़ाए, मुसलमानों को मुसलमान का कलमा पढ़ाए, कलमा तो एक ही था, सरकार भी जानते थे, इसके लिए बोल दिए लकम दिन को वलियत दिन, तेरा दिन तुझे मुबारक, मेरा दिन मुझे मुबारक, ना मैं तेरे खुदा को मानता ना तू मेरे खुदा को मान। आया समझ में ना, बहुत सी सारी बातें है यार, बोलते बोलते मेरा दम रुक जाएगा। अरे अभी और हमारे पीर भाई आएंगे जफर बाबा, मैं उनके साथ भी आऊंगा, उस वक्त भी पहले एक जो वो कब आते ये अभी तय नहीं, जब आएंगे तो उनको भी मुलाकात के लिए लाऊंगा। एचएल करेजी के रहीम भाई है वो आएंगे, मैं तब भी यहाँ पर आऊंगा। बाद में तो श्री गोंदे का इरफान है, फिर पूना का इसके लिए का अगर ये इब्लीस का कलमा नहीं रहता तो इसका वजन उतना हो जाता था। क्या बात है, रहमानी कलमा तहरीर और तकरीर के बाहर है, उसका वजन है 14 तबक, उसका 14 तबक जमीन वजन है उसका कलमे पर पाक का, वो पाक है ये गंदा है। बादशाह कादरी में बोले औरत ही खुदा है, लो वो भी फंडा चला बहुत दिन तक चला। अरे तो कैसा गंदा गंदी औरत बंदा होगी क्या, खुदा होगी क्या, नहीं ये भी फंडा चलता। अरे तेरी की, तो इससे पता चला ना नफ्स दिल रूह तक के लोगों की पावर। नफ्स दिल रूह, बहुत नफ्स तलक थे, बहुत रूह तलक, दिल तलक थे, बहुत से रूह तलक पहुंच गए, लेकिन हु का मैदान बीच में, नूर का मैदान बीच में, फिर सर नूर जा तक गए, वहां तक किसी की पहुंच होगी, ये चार जगह की पहुंच नहीं हुई है लोगों को, ना यहाँ तक किसी को रिजक दिया गया अल्लाह ने, खाली नफ्स दिल रूह तलक ही लोग पहुंच पाए, बहुत मुश्किल से रू तलक पहुंच गए लोग, रू तक जो पहुंचा वो आना का दावा कर दिया, ओके ना, मैं खुदा हूं बोले, मैं खुदा हूं, है ना, कलाम भी निकल गया, खुद को पहचान के कह रहा हूँ, मानते क्यों नहीं मैं खुदा हूँ, वो खुदा है, मैं पैदा किया हूँ इसलिए मैं खुदा का खुदा हूँ। लो अब ये खुदा के खुदा बन गए, बादशाह कादरी के सब, ओ सब उनके जे, उनके उनके चट्टे पट्टे सब, सब अट्टे चट्टे पट्टे सब उनके जे, सब उनके जे, सब सब उनके, सब उनके शरीयत का अगर दखल नहीं होता तो मैं तेरे को अपना खुदा बना देता था, तो ये वो मैं खुदा बन जाता था, या तो खुदा बन जाता था, फिर आदिल सब उनके हो, फहमी गलत फहमी हो गया, बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई, अल्लाह पाक है, क्योंकि पहले नूर में गुसूल करना पड़ेगा, फिर सर से मिलना पड़ेगा, फिर सर और रूह, फिर नूर में गुसूल करेगी, फिर जाके जाते पाक के पास पहुंचोगे,
माता किसका रिज़्ज़क है, किसी को रिज़्ज़क दिया नहीं अल्लाह पाक। आदि के तो सब जो भी है इसके जितने भी कलाम है सब ऐसे कलाम होंगे। बकवास है ना बाबा, रूहानियत में बताना गुमराह करने वाली बातें है ना, सारी गुमराह करने वाली बात। अल्लाह खुद बन गए, रसूल खुद बन जाओ। अब वो दूध पे तो तूने भरोसा किया क्या, दूध पे तू क्यों मैशर की तो बात छोड़, तू दुनिया की बात कर है ना। भूख नहीं लगेंगी, प्यास नहीं लगेंगी, दुनिया में वापरा क्या उस चीज को क्या बाबा वापर देख, यहां सही होगा तो वहां भी सही होगा, यही गलत रहेगा तो वहां कहां से सही होगा। इसलिए मैं ये बातें नहीं बोलता क्योंकि लोगों के दिल में लोगों के दिल में ये आ जाएगा रहम, लोगों के दिल में वहम आ जाएगा कि सारा ये कैसा बक रहा है ऐसा वैसा। इसलिए अब तुमने बोली दी है तो अल्लाह ने खोली दिया क्या करूं मैं, जाएंगे ना तो आऊंगा मैं वापस। हाँ हाँ आएंगे ना तो आने वाले भी साथ में। चलो बाबा निकलते निकलो। अरे चाय आ रही है, चाय आ रही है, ये जल्दी। शबे अशरा लाते ना बारे अमानत, शबे अशरा लाते ना बारे अमानत, मोहम्मद पे खत्म नबूवत ना होती। अच्छा, वही के जरिए कुरान लाए, वही के जरिए कुरान लाए। हाँ। मगर राज कलमा न जिब्रील लाए। क्या बात, मगर राज कलमा जिब्रील, अगर राज कलमे में हकीकत ना होती तो मेहराज की भी जरूरत ना होती। इसलिए वो इबलीस का कलमा है, वो राज कलमा नहीं लाया पाया। सही वो तैरी तकलीफ के बाहर कर दी उसको। आए साबित हुआ ना साबित, सीने में बहुत सी बातें दफन है बाबा, कभी कभी उभर जाती तो बोल देता। अब जब आएंगे ना अगली बार सवेरे 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे, शाम तक रुकेंगे नहीं तो फिर शाम को 5 बजे आएंगे, सवेरे 10 बजे जाएंगे, ऐसा करेंगे कुछ तो नहीं भैया। कर लेना ना अब एक आधी बार दिन में आओ, दिन में आओ। अच्छा, रात में क्या है, मैं अब जिक्र फिक्र में मैं रात में नहीं बैठता। अच्छा, नहीं फिर मेरा जिक्र चल जाएगा, मैं रात में लाने वाले आदमी है ना, वो भी 75 साल का बुढ़ा ही है, उसको लाऊंगा मैं तो, वो भी कभी सोता कभी उठता ऐसी बात है, तो वो भी जल्दी सो जाएगा। इसके तुम्हारे लिए मैं जाऊंगा, देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मेरे खास अजीज दोस्तों में से है, मैंने बहुत अजीज है मेरे, उनको पहले बोला था एक बार मैंने।